are the ways to become an actor. And to become an actor, I am presently doing dream job. तो मैं इसलिए बोलूँगा कि dream job से मेरी इतनी hopes हैं क्योंकि इतना ज़्यादा trust किया है मेरे को producer मुकेश सर और पाटिल सर ने. तो मैं उनकी इतनी respect करता हूँ कि इतनी responsibility मुझे दी है तो मैं अपना 100% दूँ and make them happy. एक आखिरी सवाल आपसे. जी. एक engineer, एक bodybuilder और एक actor. जी. तीनों में क्या फर्क है और क्या समझता है? सर इंजीनियर तो इट इज़ लाइक मैं मानता हूँ पढ़ाई सिर्फ डिग्रीज के लिए नहीं होती. पढ़ाई आपके पर्सनालिटी को डेवलप करती है. इट इज़ फॉर टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी वॉट एवर स्ट्रीम यू आर. आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, वॉट एवर इट इज़. और इसीलिए मैं अगर इंजीनियरिंग की तो जस्ट टू सेटिस्फाई माई पेरेंट्स एंड इट एनहांसेस माई पर्सनैलिटी इवन. और एज अ बॉडी बिल्डर तो मुझे हमेशा बचपन से शौक था बिकॉज मैं फ्रैंकली बताऊं मैं आइडल तो नहीं कह सकता बट मैं इंस्पायर्ड हूं सलमान खान सर से. सो मैंने बॉडी बिल्डिंग का ये जो स्ट्रीम थी मैंने वहीं से ली. एंड एज एन एक्टर ऑल्सो आप बहुत डिफरेंट है एक्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग. बट येस यू हैव टू प्ले विद द बॉडी इन बॉडी बिल्डिंग एंड वी हैव टू प्ले विद द फेस इन एक्टिंग. सो एक्टिंग, बॉडी बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग आर ऑल डिफरेंट फील्ड विच आई टेस्टेड ऑल. जी निकल के आए एक ऐसे बैकग्राउंड से जी जहाँ से लोग उम्मीद यही करते हैं कि आदमी पढ़ लिख कर कुछ अच्छी नौकरी करे जी. और आप ऐसे मौके पर इसको उठाया एक्टर बनने का और चले आए एक्टर बनने जी. अब कैसा लगता है जब थोड़ी को आपको सफलता मिलनी शुरू हुई? मैं आपको बताता हूँ स्पेशली आई डिडंट गॉट एनी सपोर्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स. तो मैं जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं होम ट्यूशन भी पढ़ा रहा था, जिम ट्रेनर था और डांस ट्रेनर था. तो आई यूज टू अर्न लाइक दैट. लेकिन फिर जब मिस्टर इंडिया बना और थोड़ा बहुत स्क्रीन पे दिखने लगा तो मॉम एंड डैड थॉट कि नहीं ये लड़का आगे जा सकता है. तो दे स्टार्टेड ट्रस्टिंग मी. और ये होता है जब आपको प्यार करने वाले आप पे ट्रस्ट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है. तो अभी फील होता है. जी मैंने वजन कम किया, बढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें की हैं. आई एम नॉट वर्किंग आउट फ्रॉम अ मंथ. जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है वर्कआउट से वो एक महीने से वर्कआउट नहीं कर रहा है. तो लेट्स सी जो भी एफर्ट हम सब टीम मिलके लगा रहे हैं इट गेट सक्सेसफुल इन फ्यूचर विद द फिल्म. थैंक यू. यू वेलकम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच. अपने बारे में पहले परिचय दीजिए कुछ हमारे. फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, आई एम रितम्बरा. शुरू से मॉडलिंग या एक्टिंग में आने का कोई चांस नहीं था, कोई सीन नहीं था. बट CA का एग्ज़ाम क्लियर किया, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी साइकोलॉजी में ग्रेजुएट करने के लिए. फिर ऑल ऑफ सडन एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ, पार्टिसिपेट किया, रैम मॉडलिंग में आ गई. एक्टिंग नहीं करनी थी पर उसके बाद मौजम बेग सर की मूवी की साढ़ा अड्डा. और अब एक नया स्टेप है जो कि ड्रीम जॉब है. दैट्स ऑल. मैं अपने किरदार के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो सब कुछ जो भी राज है वो राज नहीं रहेगा. मेरा किरदार सिर्फ इतना सा है कि एक लड़की है, एम्बिशियस है, सब तरह के इमोशंस हैं, सब तरह की नज़ाकत है, सब कुछ है. और सर्कमस्टेंसेस कहाँ से कहाँ ले जाते हैं किसी भी इंसान को, बस यही मेरा किरदार है. आपका अपना सपना क्या? मेरा सपना वैसे तो सिंगर बनना है बट एक्टिंग इज समथिंग विच इज़ इन माई ब्लड. सो एक्टिंग को मैं अभी बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रही हूँ, सिंगिंग से ज़्यादा सीरियसली ले रही हूँ. तो एक्टिंग इज राइट नाउ प्रायोरिटी. और इस फिल्म में जो आप किरदार निभा रही हैं उसका सपना क्या है? उसका सपना होता है अच्छा लाइफ पार्टनर है जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, उसके साथ ही अपना सब कुछ सेट करना है.